हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं ब्रजेश कुमार, एक बार फिर हमारे खास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि तिल्ली की खेती कैसे दिखता है और उसका पेड़ कैसा दिखता है देखने में, और उसका फूल जो कि ये पीछे देख रहे हैं, तिल्ली की खेती हुई है जो कि ये 50-60 बीघा पीछे जो दिख रहा है, ये सब पहाड़ पर हो रहा है दोस्तों, और बहुत अच्छा पैदा भी हो जाता है। चलिए दिखाते हैं कैसे दिखता है तिल्ली की पेड़ और उसके पौधा और फूल। तो दोस्तों, ये है तिल्ली का पेड़ जो कि देख रहे हैं कितने लहलहा रहा है, और देखिए ये सब जितने हैं सब तिल्ली की खेती ही हुई है दोस्तों। दोस्तों, ये जो पीछे देख रहा है छोटा सा तालाब, इसी से इस तिल्ली की सारी सिंचाई होती है, इस तालाब से, जो कि इसकी गहराई 5 फीट है, और यहाँ पिंजर लगा के इसको सींचा जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर बोर और की व्यवस्था नहीं रहती है, तो इसी से काम चला जाता है। दोस्तों, जो तिल्ली का तेल होता है वो बहुत फायदेमंद होता है और शरीर को बहुत मजबूत बनाता है अंदर से, और बहुत लोग यूज करते हैं, और इसके बहुत सारे चीज़ों में उपयोग किया जाता है, और लोग रोटी में लगा कर भी खाते हैं नमक के साथ। और जो पीछे दिख रहे हैं बंधा, जो बंधा ये है, पता चलता है बंधे है ना, तो इसको मेड़ कहा जाता है गांव के भाषा में, मेड़। जैसे गांव में मिट्टी का पेड़ बनाते हैं, तो ये इसको पत्थर को जोड़ जोड़ कर इसको अलग अलग किया जाता है, जैसे कि ये खेत अपना अपना लोग जान सके कि किसका है किसका नहीं। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। जय हिंद, वंदे मातरम।